Hello students, good morning. Welcome to part 1 of our chapter number 6, that is changes around us. Can you just give me examples of changes around you? ऐसे चेंज जिसे आप रोज देखते हैं आपके घर में आपके आसपास. Changes means yes, बदलाव. If there is a piece of paper and you fold it and make something from that paper, it is a change. Right? You have changed the paper from one form to another. It is a change. कोई बड़ा बड़ा चेंज नहीं पूछा है मैंने कि सब सोच में लग गए वो इज अच्छा अभी कौन सा चेंज बोले मैडम को. दिस इज अ सिंपल चेंज. अपनी मम्मी को रोज रोटी बनाते देखा होगा ना, तो वो आटे में से जो रोटी बनती है दैट इज अ चेंज. इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं. दिस इज अ चेंज. एक पेड़ को आप बड़ा होते देखते हो रोज, इट इज अ चेंज. अपने बाल अपने नाखून रोज बढ़ते देखते हो, दैट इज अ चेंज. राइट, दिस आर ऑल चेंजेस अराउंड अस. कुछ बड़ा बड़ा चेंज सोचने की जरूरत नहीं. ओके okay, what fun it would be if you suddenly get some magical power. Kuch magical power mil jaye to nahi hai na, aisa soch sakte hain. But still hum roz aisi things dekhte hain. We see around us many such changes where there is no magic, है ना, जिसमें कोई मैजिक नहीं है ना. ऐसी चीजें भी होती है रोज. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन. जैसे पेड़ अपने आप उगते हैं, आपकी हाइट अपने आप बढ़ती है ना. अभी जैसे मैंने बोला, दीज आर ऑल चेंजेस. राइट, योर नेल्स योर हेयर दिस ऑल ग्रो. वो अपने आप ही पढ़ते हैं, इसमें कोई मैजिक नहीं है और आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता है, वो तो सब अपने आप होता है. सो दीज आर चेंजेस अराउंड अस. ओके, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? रिवर्स्ड मीन्स आप उसको जैसे पहले थे वैसे कर सकते हो. एग्जाम्पल है कि बलून को ब्लो किया, हवा भर दी उसमें, फिर वो वापस जैसा था वैसा आप कर सकते हो. तो यस यू कैन डू इट, है ना. उसकी हवा आप निकाल दो तो वो जैसा था वैसा हो जाएगा. इट मीन्स दैट चेंज इज रिवर्सिबल. जिसको आप वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हो, दैट टाइप ऑफ चेंज इज कॉल्ड रिवर्सिबल चेंज. व्हाट इज इट कॉल्ड? रिवर्सिबल चेंज. ओके, जस्ट नाउ एज आई टोल्ड यू, यू हैव सीन योर मदर making chapati, making rotis from the atta, right? The dough में से रोटी बेल ली, rolled out. उस रोटी में से वापस dough बना सकते हैं? तो yes, it can be done, है ना. अगर सीधी गोल नहीं बनी उसको फिर से बिगाड़ के you can again make it, roll it. So this is reversible change. But after you make that chapati, put it on the stove, उसको आपने पका लिया, then can you make it again a dough? No, right? जब तक उसको रोल रहे वो तब तक आप उसको कर सकते हो वापस आटा में, right? लेकिन एक बार वो पका ली, then can you make it again a dough? No, so that change is called irreversible change, है ना. So now you understood what are reversible change, what are irreversible change, है ना. Reversed or not reversed. So if they can be reversed, they are called reversible change. If not, they are called irreversible change. Activities are given different to explain you different examples, right? You can read it. Six point two. Could there be other ways to bring a change? ये तो हमने देखा
कि उसको रिवर्स करके हम उसको चेंज ला सकते हैं। एनी अदर वे, वी ऑल सीन दैट टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल्स इज फिक्स्ड टू अ वुडन हैंडल। एग्जाम्पल्स ऑफ टूल्स फिगर 6.6 इज गिवन, राइट। द आयरन थिंग्स आर देयर विद मोस्टली वुडन हैंडल्स। कभी वो हैंडल लगाते हुए देखा है, हाउ दे फिट दैट वुडन हैंडल इन द आयरन, कि वो निकलता नहीं है इतना अच्छा टाइटली, कैसे फिट करते हैं आप उसको। हैव यू एवर सीन, देयर इज वन क्वालिटी ऑफ आयरन दैट इट एक्सपांड्स ऑन हीटिंग। एक्सपांड्स मीन्स थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, एक्सपांड। जो आयरन है उसको हीट करने से वो थोड़ा सा फूल जाता है, एक्सपांड हो जाता है, और उसके अंदर आप एक, जैसे ये वुडन हैंडल है वो उसके हॉल में डाल दिया, और जैसे ही आयरन ठंडा होगा वो उसके ओरिजिनल साइज में आ जाता है। सो व्हाट विल हैपन, द वुडन विल फिक्स इट इनसाइड, क्योंकि जब बड़ा हुआ था तब हमने उसमें डाल दिया था, ठंडा होने के बाद वापस ओरिजिनल शेप में आ गया, मतलब कि वो टाइटली उसमें फिट हो जाता है। दिस इज हाउ द हैंडल्स आर फिट इन दिस। ऑल्सो द कार्ट व्हील, उसमें भी जो मेटल रिंग लगाते हैं वो भी ऐसे ही लगती है कि उसको गर्म करने से वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, उसके ऊपर लगा दी फिर वो ठंडी होगी, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है एंड इट विल फिट इट टाइट। सो दिस इज अनदर चेंज दैट मेटल्स एक्सपांड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन कूलिंग, राइट। अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, आप उसको कोई भी एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हो। देर इज वन रीजन ऑल्सो, आपने देखा होगा देर आर रेल ट्रैक्स, जो रेल के ट्रैक्स है वो देखे होंगे, देर इज अ स्पेस बिटवीन ट्रैक्स, उनके जॉइंट्स में स्पेस होती है थोड़ी सी। वाई इट इज कैप्ट, बिकॉज इन समर वेर देर इज मोर हीट द आयरन विल एक्सपांड, सो उसके लिए जगह रखते हैं कि वो एक्सपांड हो सके। अगर जगह नहीं रखेंगे तो उसका शेप बिगड़ जाएगा एक्सपांड होने से, एंड एक्सीडेंट कैन बी कॉज, राइट, ट्रेन आती है तो। सो सम स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन जॉइंट्स, दिस इज द रीजन वाई दिस स्पेस इज कैप्ट। Why? Because the metal, the iron, it will expand on heating and contracts on cooling, right? Then activity 7, what is it? Take a small candle and measure its length with a scale. Now fix it at a suitable place and light it. Light it, let it burn for some time. Now blow off the candle. क्या उसके साइज में डिफरेंस होगा? Yes. क्योंकि वो हीट वैक्स है, वो जल गया तो उतना पिघल जाएगा, राइट। लेकिन क्या होगा, वो साइड्स में होगा, अगर उस वैक्स को आप प्लेट में कलेक्ट कर लेंगे तो यू कैन गेट सम अमाउंट ऑफ इट अगेन। बट इफ यू आर बर्निंग एन इंसेंस स्टिक, इंसेंस स्टिक्स मीन्स अगरबत्ती, उसको जला दिया फिर जो कचरा बचता है उसमें से वापस क्या आप उसको जला सकते हैं? नहीं जला सकते ना। सो दिस इज ऑल्सो अ चेंज, एज वी टोल्ड यू, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, राइट। So these are changes, reversible and irreversible change, right? Homework is read this once. From this page number 50, I will explain you in the next video, and also we will solve the exercise of the textbook, right? So do it, read it once, try to solve the MCQs of the workbook also. Right, we will solve the exercise of the next book in the next video. Thank you.